पंजाब विच जिहड़ी नवीं बदलाव की सरकार आई आम आदमी पार्टी सरकार तकरीबन 10 महीने हो गए। 10 महीने पहले बड़े चाव नाल पंजाब दे लोकां ने ऐजा इतिहासिक वर्डिक्ट दिता, मैं लगता ऐजा वर्डिक्ट अज तक नहीं किसी स्टेट सूबे मिलिया होना। 92 तो वध सीटां इक्को एक पार्टी ने दित्तियां। बड़ी उन्हां दी उम्मीद सी कि यह नवी सरकार आऊगी, क्योंकि NS पार्टी ने इन्ने वादे किए सी, लोगों के मन च ऐसी गल्लां पाईयां सी कि जे सानू सरकार बना दोगे असी पंजाब नू पता नहीं कित्थे कित्थे लेके जावांगे, तो हर बंदे दी बांह फड़ांगे, हर गरीब की बांह फड़ांगे, पैसे देवांगे। या लिस्ट वड्डी सी, वह सारी लिस्ट देख के इन्हां दे झूठा प्रचार देख के पंजाब की जनता ने, समुचे पंजाब की जनता ने उन्होंने मौका दिता। पर बड़ा दुख ना कहना पैंदा है कि पिछले 10 महीने जो बर्बादी पंजाब की इस सरकार ने की है, जो हालात पंजाब के इस सरकार ने बनाते है, मैनू तो डर है जे इस तरीके नाल आ 4 साल होर चली तो पंजाब बिल्कुल ही बर्बाद हो जाना। इन्हां दी जिहड़ी पॉलिटिक्स, आम आदमी पॉलिटिक्स, आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सियासत है, वह सारा कुछ ही झूठ ते निर्भर है। वह झूठ बोलते है, इस तरीके बोलते हैं कि लोगों के मन च जचा देंगे कि सच है, पर हुण जदों प्रैक्टिकल करन दा काम आ गया, हुण झूठ ते सच सामने चीज़ा आ गई। मैं 2-4 वड्डे फैसले इन्हां दे, मैं उन्हां दा जिक्र करना चाहूँगा। एक तो इन्होंने हुणी जिहड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐलानी है, तुसी अनइंडस्ट्रियल पॉलिसी देख लो ते साडी टाइम दी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देख लो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब की हुंदा कि आपां इंडस्ट्री नू इनकरेज करिए कि पंजाब च आके इनवैसट करे। इंडस्ट्री क्यों पंजाब च किसे सूबे जांदी है? जे उस सूबे विच अमन शांति होए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी होए, उन्हां नू रॉ मटीरियल बिजली पूरी मिलती होए, तो उन्हां नू कोई इनसेंटिव दिता जाए। पर जेड़ा अज हालात है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इन्ने इनसिक्योर है, डरे बैठे है, गैंगस्टर दे उन्हां टेलीफोन आया तो वह पैसा सारे ने फरौतियां दित्तियां। जेड़े अफसर उन्हां नाल धक्का करी जांदे है, उन्हां दी कोई मुश्किल है, किसी नू पता नहीं किहनू मिलना है। दूजी गल जिहड़ी बिजली की हालत है, तुसी थोड़े दिन पहले बिजली बोर्ड के इंजीनियर ने ही दसता कि गर्मियां देखो होना की है, पिछले 7 साल एक भी नवा यूनिट नवा पैदा करने का कोई कपैसिटी नहीं ऐड की। मैं भगवंत मान जी को मैं सवाल पूछना चाहना है, तुसी अपने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान तुसी कहते सी कि जे बादल साहब ने जेडे 2 थर्मल प्लांट लाए असी उन्होंने बंद करांगे, हुण क्यों नहीं करते? मैं क्या भगवंत मान जी, तुसी पंजाब की जनता हुण मुख्यमंत्री है, सारा अफसर तो सारा डेटा थोड़े को, क्यों नहीं दसते पंजाब के लोगों कि जी उन्हां थर्मल प्लांट तो बिजली आती है किस रेट पर आती है, तो जे बाहरों बिजली खरीद रहे हो किस रेट पर खरीद रहे हो? जेडे तलवंडी साबो तो राजपुरा थर्मल प्लांट आ जे असी लाए सी तकरीबन 4000 मेगावाट, वो थर्मल प्लांट की रेट बिजली का बिजली बोर्ड नूं 2 रुपये 80 पैसे पैंदा है। तो अज भगवंत मान की सरकार बाहरों बिजली खरीद रही है 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये, पिछली बार पिछली गर्मियों 20 रुपये यूनिट खरीदी सी, फिर क्यों झूठ बोलिया? तो जिहड़ी हालात होर है कि हुण अगले दिनों जदों थर्मल प्लांटां दी जदों गर्मी आनी है डिमांड वध जानी है, तो इस करके जो होर डिमांड बन गई होर महंगी हो जानी है। मैनू तो लगता है कि जिस तरीके चले है कोई इन्होंने यूनिट किया नहीं, ओही काले दिन जदों रात नूं बिजली नहीं आउंदे सी ओही हालात बन जाने हैं जिहड़े 15-20 साल पहले सी साडी सरकार आउण ते पहले। श्रोमणी अकाली दल ने बड़ी मेहनत करके बिजली सरप्लस कीती सी, पर कांग्रेस की नलायकी, कैप्टन की नलायकी ते भगवंत मान की नलायकी करके आ दोनों आ जिहड़ी वड्डी अपनी जिहड़ी पंजाब की जान सी बिजली वह इन्होंने खत्म करती, वो जमा सरप्लस जगह हुण कमी हो गई अपनी बिजली की। हुण जिहड़ा इंडस्ट्री क्यों लाऊगा,
जे बिजली है नहीं इत्थे तो फिर लाऊगा कितों, जे इत्थे गुंडागर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सारे फरौती देंदे है, तो फिर क्यों लाऊगा इत्थे। जिहड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इहदे च एक भी इनसेंटिव नहीं है जिहड़ा नाल दे सूबियां तों बेहतर होए। जिन्ने नाल दे सूबे अपने उन्हां दी पॉलिसी देखो तो अपनी देखो। साडी सरकार दे दौरान असी इनवैसट पंजाब बनाया, उदों इनवैसटमेंट आई, जिन्नियां फैक्ट्रियां आईयां रिफाइनरियां तो लैके फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री तो लैके आई टी इंडस्ट्री जिन्नियां भी आईया, हीरो दियां साइकिल तो मॉडर्नाइजेशन सारियां फैक्ट्रियां साढ़े टाइम पर आईया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के दौरान एक भी फैक्ट्री नहीं आई, हूँ तक ही आनी सी। आ पॉलिसी एक ड्रामा है, कहिंदे असी रजिस्ट्री फ्री कर दोंगे, रजिस्ट्री फ्री करनगे CLE फ्री करके नहीं आउंदा इंडस्ट्री। इनसेंटिव जी साढ़े टाइम तो असी 100% GST रिफंड करते सी जिहड़े इन्होंने बंद की है। इस करके जिहड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है आ सही मैंने तो मैं कई इंडस्ट्रियल्स नाल गल की है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है कहिंदे इस पॉलिसी ने तो सानू तो कन्विंस करता कि इत्थे फैक्ट्री लाने की लोड़ नहीं, तुसी UP चलो तो हुण असी इधर जम्मू कश्मीर जाना। एक तो गल है, दूजी गल तुसी देखो किड्डी वड्डी ठगी। आम आदमी क्लीनिक, किहड़े आम आदमी क्लीनिक है जी, जिहड़े पहले 50 बनाए सी, जिहड़े मैं सेवा केंद्र बनाए सी अपनी सरकार दे दौरान, जिथे लोगों नूं कोई भी काम कराउणा हुंदा उन्हां सेवा केंद्रां जांदे ते मिंटां च काम हो जांदा सी। उसे सेवा केंद्र नूं बंद करके उत्थे जिहड़े नाल दे हस्पतालां सरकारी हस्पतालां डाक्टर ते नर्सां सी उत्थे भेजतियां, ते उहनूं कहता कि आम आदमी क्लीनिक। 20 लाख रुपया साड़ी एक सेवा केंद्र का खर्चा 10 लाख रुपया सी, सारी बिल्डिंग सारा कुछ बना के एक एक सेवा केंद्र, इन्होंने 20 लाख रुपया एक सेवा केंद्र नूं ठीक करने वास्ते रेनोवेशन ते लाया। देखो किड्डा वड्डा ठगी है। तो डॉक्टर एक नवा नहीं भर्ती किया, एक नर्स नवी नहीं भर्ती की, जिहड़े हस्पताल पुराने सी जिहड़े पिंडां दा हस्पताल सी बंद करके डिस्पेंसरियां बंद करके सारे इत्थे लियांदे, हुण रौला पै गया। हुण तुसीं देखो 5 प्यारिआं दे नां ते हॉस्पिटल बने होण, उन्होंने बंद करके भगवंत मान ने अपनी फोटो ला के कहिंदा इक क्लीनिक है। तो मैं कल अखबार पढ़ रहा सी की करन लग्गिआ, हुण कहिंदे जी होम्योपैथिक दे डॉक्टर दे हुण सेवक आ जिहड़ा भगवंत मान दे जिहड़ा क्लीनिक जाए हुण इन्हां नूं इंचार्ज बनाता उस क्लीनिक दे, एक नर्सां नूं देता कि नर्स बैठा गुरु कल्ली। क्यों आपां मजाक करदे हां? तुसीं कदे पंजाब दे लोक समझ गए हुण जां जिहड़े तुहाडे ड्रामे है ना चेंज करके फोटोआं ला के? मैं भगवंत मान जी नूं बेनती करदा, तुसीं की कहिंदे हुंदे सी अपनी सरकार जो ऑपोजिशन सी कि आ फोटोआं देखो बादलां ने लाईआं, इधर लाईआं उधर लाईआं, तुसीं की कर रहे हो? तुसीं तां हर चीज़ फोटो, चलो असीं तां जिहड़ी चीज़ कीती सी जिहड़ी प्रैक्टिकल नवीं चीज़ लिआंदी सी नवीं पॉलिसी उहदे साडी एडवर्टाइजमेंट सी, पर तुसीं तो पुराने माल नूं तुसीं पुरानी गड्डी नूं रंग पेंट करके तो तुसीं उहदे च दिखाउणा चाहुंदे आ कि वेचना चाहुंदे आ कि आह नवीं गड्डी है, इह तों माड़ा हाल की हो सकदा? तो हुण जिहड़ा तुसीं देखो जो हालात फाइनैंशियली जो हालात स्टेट दी है कोई पता ही नहीं की हो रहा है। अगले सालों के अंदर रेवन्यू ग्रोथ मैं पता कर रहा सी, कलो मैं अखबारों च पढ़िया हुणी इन्हां दा टारगेट सी 90,000 करोड़, पिछला बजट जो पेश किया सी कि 90,000 करोड़ की आमदन आऊगी सानू साल च सारी सेंटर तो लैके मिला के, अज 3 महीने रह गए 60,000 करोड़ भी नहीं पहुँची। तो फिर थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 रुपया नहीं किया इन्होंने एक साल च, एक भी नवी सड़क कोई नवा स्कूल, हुण जिहड़े इन्होंने नवा स्कीम बना दी असी एक वधिया स्कूल पता ना की दिता सी उन्होंने एमिनेंस स्कूल की किया उन्होंने, जिहड़ा बादल साहब ने जिहड़े अपने मेरिटोरियस स्कूल बनाए सी उन्हां दा नाम फिर तो चेंज करता ना। इन्हां दी पॉलिसी है कि ना चेंज कर करके अपनियां फोटोआं लाई जाओ, थोनू पंजाब दी जनता ने ना चेंज करन वास्ते मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्हां दी जिंदगी चेंज करन वास्ते इंप्रूव करन वास्ते मुख्यमंत्री बनाया। मैनू बड़ा दुख नाल कहना पैंदा है कि जिस उम्मीद नाल लोगों ने बनाया तुसीं सारयां दी उम्मीदां तोड़ दित्तियां। मैनू बड़ा दुख है, दिलों दुख है कि बड़ा तिनका तिनका इकट्ठा करके असीं पिछले 10 साल अपनी सरकार च पंजाब दे विच तरक्की लिआंदी, पंजाब दे हर वर्ग नूं उच्चे चक्कण दी कोशिश कीती। उस समय
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਟੱਪਦੇ ਰੇਲਵੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਟਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਫਾਟਕ ਦਿਖਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੜਕਾਂ 4 ਲੇਨ 6 ਲੇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਆ ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, BJP ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਆ 4ਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਅੱਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੱਚੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰੱਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਹ 7 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ UP ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲਖਨਊ, ਮੈਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ, ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, TV 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਕਿਮ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਨੈਚ, ਉਹਦੇ ਮੋਟਰ ਆਪਣੇ 3-wheeler ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਨੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਜ ਜੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਬਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੌਣ ਆਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਆਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਿਖਿੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਐਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਆਹ ਦੋੜੀ ਨਿੱਜੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੜ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, MLA ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। SSP ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ CM ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੀ?
थैंक यू मैं पहले तीन गल्लां मैं रेते बारे भी आ गल करना चाहना बार बार कहिंदे सी मैं पंजाब दी जनता नूं थोड़े राही मैं एक सवाल पूछना चाहना जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी उदो रेते का की रेट सी जो कांग्रेस का राज सी उदो रेते का की रेट सी ते अज की रेट है सब तो सस्ता रेता पंजाब श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान सी किसी ने उदे बाद दुगना तिगना कैप्टन ने करता ते अज तक जमा ही लुट मचाती ते फिर रेत माफिया कौन है बदनाम अकाली दल नूं क्योंकि आ जिहड़ियां नैशनल पार्टियां एजेंडा सी कि रीजनल पार्टियां खेतरी पार्टियां नूं खत्म करना है आ एजेंडा आ नैशनल पार्टियां दा है उन्हां दा टारगेट सी कि आ खेतरी पार्टी है कौम दी पार्टी है इहनूं खत्म कर दिओ झूठे प्रचार झूठे प्रना बेअदबी दा इन्हें झूठा इल्जाम लाया जिन्होंने बेअदबी का इल्जाम लाया मैं उन्होंने पूछना चाहना अज बैठे कितने है दादूवाल कितने बैठे बीजेपी नाल मंड साहब कितने है जो बेअदबियां अजकल हुई हैं कितने धरना दिता उन्होंने मतलब कि सी एक एजेंडा सी सारा का एको ही एजेंडा सी कि असी खेतरी पार्टी खत्म करनी है आ एक कौम की आवाज़ है जे आ खत्म हो गई आवाज़ खत्म करती फिर साढ़े को कोई अगे बोलने वाला साढ़े सामने नहीं है तो वो अपने अपने जोड़े एजेंडे कामयाब होए तो अज देखो कि कामयाब होने बाद की होया फिर उन्होंने नैशनल पार्टी या बीजेपी ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कब्जा कर लिया हूँ हरियाणे से भी कब्जा कर लिया जे तुसी अपनी सिख संस्था से जे तुसी ऐसी पार्टियां का कब्जा करा दोगे तो फिर नुकसान कि अपना ही है ना तो लड़न वाली कली कोई कहे श्रोमणी अकाली दल ना बड़े लिखते थे आह भी अकाली दल उन्हें जोड़े लोग ना लेंदे अपने अकाली दल या अपने आप पंथक कटाते पंथक जथेबंदी कटाने उन्होंने पिछोकड़ तो देखो पता करो उन्होंने पंथ वास्ते किया की है कि उन्होंने कोई कुरबानी की है आ जी श्रोमणी अकाली दल है आ 100 साल पुरानी पार्टी है अपना एक फ्रंट अपनी फौज है कौम की फौज है पंजाब की फौज है जे फौज कमजोर करनी है तो फिर तो कब्जा थोड़े तो होना ही है इस करके मैं पंजाबियों को बेनती करता हले भी कोई नहीं बिगड़िया कट्ठे होके आप एकमुट होके आ जिहड़े अपने नैशनल पार्टियां जिहड़ियां हैगियां इन्हां दे खिलाफ़ आपां कट्ठे होइए अपनी खेतरी पार्टी नूं तगड़ा करिए ता पंजाब